स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज के रेडियो बुलेटिन। मई के शुभ मुहूर्त में होने वाली शादियां कोरोना संक्रमण के डर से लोग स्थगित कर रहे हैं। यही कारण है कि जहां अप्रैल में अनुमति के लिए 200 लोगों ने आवेदन दिए थे, वहीं इस महीने शादी के 13 मुहूर्त ज्यादा होने के बावजूद एक भी आवेदन नहीं आया। अक्षय तृतीया के अबुझ मुहूर्त में भी सामूहिक विवाह नहीं होंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सभी विश्वविद्यालयों में ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत स्नातक के तीनों वर्ष और स्नातकोत्तर के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न से होंगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को तैयारी करने के लिए कहा है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में गुरुवार को जूनियर डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर जा रहे हैं। जुड़ा डॉक्टर सैलरी और अन्य मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने ड्यूटी दी है। शुरुआत में उन्हें कहा गया था कि कोविड ड्यूटी करने पर उनकी सैलरी में 10,000 रुपए और बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन वो रुपए तो नहीं मिले, ऊपर से 3 महीने की बेसिक सैलरी भी अब तक नहीं मिली। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरा कम हुई है। पिछले 24 घंटों में 13,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। अभी प्रदेश में 89,244 नए एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में 9,643 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश की रिकवरी रेट 84.7% और डेथ रेट 1% हो गई है। कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर मनमानी लूट करने वाले निजी अस्पतालों की मनमानी पर अब नकेल कसेगी। मनमानी बिलिंग की शिकायत मिलने पर सरकार ने जांच समिति बना दी है। 3 सीनियर IAS अधिकारियों की ये टीम मनमानी बिल की शिकायत मिलने पर न केवल उसकी जांच करेगी बल्कि उसका समाधान भी करेगी। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।